एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देश का पालन करते हुए थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चेकिंग के दौरान 3 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तीनों ही बदमाश पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि सभी थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए थे, जिस पर थाना लक्ष्मण झूला पुलिस द्वारा निर्देशों का पालन करते हुए थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। को रात्रि में जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया था। इसी के क्रम में कल देर रात्रि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जानकारी करके पता चला कि इनमें से एक के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत है हरियाणा में और दूसरे के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन तीनों के पास से अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियोग जो है तीनों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना जो है अग्रिम विवेचना की जाए। तीनों पलवल हरियाणा के हैं, जिनका हरियाणा में आपराधिक इतिहास है। उनके पास से पुलिस ने तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।